हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति ब्यूटी स्टेशन। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? इस वीडियो में जो है मैं एक मिनी अमेज़ॉन हॉल आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं अमेज़ॉन से। और ये जो है हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप अगर ट्राई करना चाहते हो या आपने ये कैसे ही यूज़ करने में, तो इसमें आपको मिनी रिव्यूज़ मिल जाएंगे और ये प्रोडक्ट कैसा काम करते हैं, लेना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। और सारे जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप ट्राई करना चाहते हैं या लेने का सोच रहे हैं, जो आपके विश लिस्ट में है पर आप उस पर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले जानना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उस प्रोडक्ट को ट्राई करके आपको उसका रिव्यू दूँगी। और ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक हो, हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जिसे आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये बॉडी वॉश। तो ये जो है ये है मामा अर्थ का चारकोल बॉडी वॉश, और विथ चारकोल है एंड मिंट है ये। तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो हैं आपको पता ही है कि पैराबिन फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूट्स ऑल स्किन टाइप। तो मैं जो है हमेशा डिफरेंट टाइप के बॉडी वॉश यूज़ करती रहती हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने मामा अर्थ का ये बॉडी वॉश लिया है। मैंने इसे इमेज में देखा तो ये मुझे थोड़ा बॉटल बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। अभी से देखेंगे तो आपको ये बड़ा लगेगा, बट एक्चुअली में ये मेरे पाम के साइज़ का है। आप देख सकते हैं इतना छोटा है। और 200 ml प्रोडक्ट है ये, 299 इसकी प्राइस है। चारकोल है इसमें, मिंट है इसमें, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग स्मेल आ रही है इसकी। और चारकोल मिंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब समर स्टार्ट हो चुके हैं, तो स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है हमें, हमारे बॉडी को डीप क्लींस करने के लिए चारकोल मिंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने इसलिए ये ट्राई करने के लिए लिया है। मैंने इसे ट्राई भी किया है एक बार, मैंने बॉडी वॉश को ट्राई किया है, तो ये अच्छा है और अच्छी स्मेल देता है, अच्छे से लेदर होता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। तो सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है ये हेयर केयर प्रोडक्ट, ये है डव का ड्राई शैम्पू। तो ड्राई शैम्पू जो है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे ऑयली स्कैल्प हैं, बहुत जल्दी सेकंड थर्ड डे ही ऑयली हो जाते हैं, तो ड्राई शैम्पू मुझे यूज़ करना पड़ता है कहीं अगर मैं बाहर जा रही हूँ या वीडियो शूट करना है कुछ भी, तो इसलिए जो है मैंने ये ड्राई शैम्पू लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग स्मेल करता है, 449 इसकी प्राइस है, बहुत ही अच्छा है। कोकोनट इसमें है और ये ऑयली स्कैल्प के लिए है, तो बस आपको हेयर पे स्प्रे करके इसे मसाज कर लेना है। बहुत दिनों से मैं इसे ट्राई करने का सोच रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल करता है। तो जैसे कि गर्मियों के टाइम में स्वेटिंग से बैड स्मेल आपके हेयर से आ रही है, तो आप तभी भी इसे हेयर स्प्रे की तरह लगा लें और आपके जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल करेंगे। ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 141 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो 449 में ये मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, ये बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो भी हेयर केयर प्रोडक्ट है और ये है बायोटिक का ये हेयर मास्क, ये है आर्गन ऑयल हेयर मास्क। और फिलहाल जो है मैं हेयर मास्क ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने हेयर पे बिफोर हेयर वॉश, क्योंकि हेयर ऑयलिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ डैंड्रफ की वजह से। और हेयर मास्क मेरे पास बहुत सारे हैं ऑलरेडी, प्लम के और भी अलग अलग बायोलैग अच्छे अच्छे ब्रांड्स के, जो कि 300-400 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं, पर ये जो है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिला इसलिए मैंने इसे लिया है। और ये 169 रुपीज़ में ही मुझे मिला है, तो काफ़ी अच्छा क्वांटिटी भी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी, बिल्कुल पॉन्स पाउडर की तरह ये स्मेल करता है। 169 में अगर आप एक अफोर्डेबल हेयर मास्क ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और बायोटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है आयुर्वेदिक होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करते, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इनके प्रोडक्ट की, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये रोज़ एंड रैबिट का फेशियल वॉश है। ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, ये ब्रांड अभी अभी मतलब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और बहुत सारे प्रोडक्ट इनके आने वाले हैं, तो ये मैंने ट्राई किया है और क्रीमी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल है इसकी और बहुत अच्छी स्मेल करता है। और 199 इसकी प्राइस है और ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, आपके फेस से एक्सेस ऑयल को अच्छे से रिमूव करता है। और इसमें जो है ग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें लैक्टिक एसिड है और कोजिक एसिड है, तो ये सारी चीज़ जो आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करती हैं और एक्सेस ऑयल को भी ये रिमूव करता है, तो समर टाइम के लिए बहुत अच्छा फेशियल वॉश है ये भी, तो बहुत ही कम अमाउंट चाहिए होता है, बहुत अच्छे से लेदर होता है आपके फेस पे, तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है ये चैरलिस कॉस्मिक क्यूटिकल्स का ऑक्सी ब्लास्ट फेशियल किट है। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये स्पेशली जो है 300 में ये आपको मिलता है। इसके अंदर जो है आपको इसमें 7 इस तरीके के स्टेप्स मिलते हैं,
तो 7 स्टेप फॉलो करके आप अपना फेशियल जो है घर पे कर सकते हैं। ये स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं जिनको कुछ भी सूट नहीं करता, उसके लिए ये फेशियल किट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके फेस पर जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मतलब ये आपके डेड स्किन को रिमूव करता है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेथेबल आपकी स्किन फील हो करती है इसे यूज़ करने के बाद। बिल्कुल भी कोई इरिटेशन, इचिनेस या जलन जैसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और कुछ भी आपको सूट नहीं करता तो आप ये ब्रांड ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत अच्छा फेशियल किट है, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ तो जो इसका आफ्टर इफेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी ब्राइटनेस आपको आपके फेस पे मिलती है, तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये फोरहेड रिंकल पैच, और ये मैं ट्राई करना चाहती थी इसलिए मैंने इसे लिया है। ये कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है जो 300 या 350 रुपीज़ में मुझे मिला है, और इसमें जो है 5 इस तरीके के पैचेस आते हैं। तो एक मैंने यूज़ कर लिया है, 4 मेरे पास हैं। इस तरीके का पैच है जो आपके फोरहेड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको रिंकल्स है तो ये रिड्यूस करता है ऐसा इसने कहा है, पर इसमें एक टाइप का सीरम है जो आपके रिंकल्स को जो है रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इसे आपको 20 मिनट्स तक अपने फॉरहेड पे रखना होता है। मुझे कोई इतना ज़्यादा रिंकल्स नहीं है, पर थोड़े थोड़े लाइन आपको दिख रहे होंगे मेरे फॉरहेड पे, तो इसलिए मैं इसे ट्राई करना चाहती थी। और लगाने में अच्छा था, काफ़ी सूदिंग इफेक्ट दे रहा था, इसके अंदर सीरम है। तो 20 मिनट्स तक मैंने इसे लगा कर रखा था। तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बेस्ट या बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, ठीक ठाक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसे लगा सकते हैं बिफोर मेकअप, जो है आप इस पैच को फॉरहेड पे अप्लाई कर लें तो आपकी जो फाइन लाइन्स या रिंकल्स है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है, गायब नहीं हो जाती या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट जाती है, पर हाँ स्मूदन आउट हो जाती है। तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। अब मैं इस हॉल का सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो वो है ये अगारो का, ये लाइट क्यों चली गई है, अगारो का पॉलीमाइजिंग हेयर ड्रायर, और 2200 में ये आपको मिल जाएगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेयर ड्रायर लगा मुझे। इसका जो केबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेंदी है, तो आप देख सकते हैं इसे मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आज जो है मैंने इसी से ब्लो ड्राई किया अपने हेयर को। तो अगर आप अच्छा स्टाइलिंग टूल रेगुलर के लिए चाहते हैं, जैसे कि जिससे ब्लो ड्राई भी हो जाए और आप थोड़ा आपको अच्छा शेप भी मिल जाए हेयर को, तो आप इसे ले सकते हैं। और इसमें जो है मेरे हेयर थोड़े थोड़े से मतलब दिख रहे हैं मुझे, आज मैंने फर्स्ट टाइम से यूज़ किया है। तो इसके अंदर से आपको ब्लो ड्राई भी होता है और आप जो है इस तरीके से अपने हेयर को स्टाइल भी कर सकते हैं जैसे भी चाहें, आउटर या इनर जिस टाइप के। यहाँ से आपको जो है ऑन ऑफ़ के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑफ़ बटन, और ये इस तरीके से रोटेट होता है। तो आपको 3 सेटिंग दी गई है ब्लो ड्राई के लिए, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आप देख ही सकते हैं ब्रश की जो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, बहुत बड़ा सा है। तो अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा लंबे या घने हैं तो भी ये ब्रश बहुत अच्छा है। मेरे तो बहुत पतले हैं तो भी अच्छे से, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सही है। पर आपकी अगर अच्छी वॉल्यूम वाले हेयर हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको ये, और अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट भी। अगर आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छे से आप इससे अपना हेयर को स्टाइल कर सकते हैं। और मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली यूज़ किया तो भी अच्छे से ब्लो ड्राई हो गया है मेरा हेयर। तो आप इसे भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अलग से आपको स्ट्रेट या अलग से आपको ब्लो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट से आप जो है अपने रेगुलर हेयर को स्टाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो जो भी मेरा रिव्यू था वो मैंने आपको शेयर किया है इसमें कि ये कैसे हैं, और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।